इस वीडियो को देखने वाले सभी भाइयों और बहनों को परफेक्ट हिमालयन कैंपिंग एंड ट्रैकिंग की तरफ से सादर प्रणाम। जय महाकाल, जय भुनार। तो भाइयों और बहनों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए चार धाम यात्रा से जुड़ी हुई काफी सारी लेटेस्ट अपडेट, जिसमें कि पहली है कि अब जो है दो ई पासिस की जरूरत नहीं होगी आपको चार धाम यात्रा करने के लिए। दूसरी जुड़ी हुई है कि हेलीकॉप्टर जो सर्विस है वो चार धाम के लिए ओपन हो चुकी है। क्या उसके रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, कहाँ कहाँ से आप इन बुकिंग्स को करवा सकते हैं और क्या फेयर रहने वाला है। तीसरी जो अपडेट है कि कल केदारनाथ घाटी में जो स्ट्राइक हुई थी उसमें क्या निर्णय लिया गया है। और चौथी है कि क्या आप यात्रा ऑफलाइन पासिस के भरोसे कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपको काफी सारी जो है इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिल जाएगी। दूसरा, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि जो है आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे रिगार्डिंग चार धाम यात्रा। और अगर आप चार धाम यात्रा करना चाहते हैं तो आप पैकेजेस जो है वो अवेल कर सकते हैं परफेक्ट हिमालयन कैंपिंग एंड ट्रैकिंग से। पंचकेदार हो, चाहे वो चोपड़ा तुंगनाथ हो, चाहे वो चार धाम यात्रा हो, इन सबके पैसे पैकेज जो है हम लोग एट नॉमिनल कॉस्ट के अंदर हम लोग प्रोवाइड कराते हैं टू आवर गेस्ट। तो दोस्तों, पहली जो न्यूज़ है उसके ऊपर चलते हैं कि चार धाम यात्रा के लिए जो दो पास की रिक्वायरमेंट थी, अब उसकी जो जो रिक्वायरमेंट्स है उसको खत्म करने जा रही है उत्तराखंड गवर्नमेंट। अभी कहा गया है कि जो चार धाम यात्रा जो अभी या होती थी अब तक, जो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स थे वो थी कोविड नेगेटिव रिपोर्ट या फिर जो है आपको डबल वैक्सीनेशन जो डबल डोज लगती थी वैक्सीन की उसका आरटीपीसी उसकी रिपोर्ट चाहिए थी। दूसरा जो है आपको चाहिए था देवस्थानम बोर्ड का रजिस्ट्रेशन। तीसरा, आपको स्मार्ट सिटी पोर्टल पर जो है वो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था, बट अब जो है इसकी अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है और इसकी अब आपको जरूरत नहीं रहेगी। फ्यूचर में आप जो है बिना जो रजिस्ट्रेशन के जो है स्मार्ट सिटी रजिस्ट्रेशन के उसके जो है वो आप यात्रा कर सकते हैं। तो इसमें जो कहा गया है वो यही कहा गया है कि आप जो है इसकी अनिवार्यता को खत्म करने जा रही है गवर्नमेंट, उत्तराखंड गवर्नमेंट, और इसकी आपको अब जरूरत नहीं पड़ने वाली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पंजीकरण की स्मार्ट सिटी की वेबसाइट है, उस पर जो है आपको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा। दूसरी, मैं आपको न्यूज दे रहा था कि अब जो है हेली सर्विस जो है वो शुरू होने जा रही है और उसके अंतर्गत जो है आप हेली सर्विस को जो है अवेल कर सकते हैं और आज से शुरू हो चुकी है उसकी रजिस्ट्रेशन। मैं आज जो 28 तारीख है, आज से उसकी रात करीबन 2:30 बजे के करीब जो है उसकी रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुकी है। बट कभी भी जो है ना, ये वेबसाइट पे अभी जो मैंने चेक किया खुद से, तो वहां पर मुझे जो है वो नहीं मिला। क्या बोलते हैं, आपको कह सकते हैं कि मेरे को जो है अभी तक वहां पर ये दिखा रहा है कि ये स्लॉट जो है वो अभी जो है ना सीट अवेलेबिलिटी यहाँ पे दिखा रहा है हेली बुकिंग सर्विस क्लोज ऑन सेलेक्टेड डेट। क्योंकि मैं 6 तारीख को जाने वाला था तो मैंने सोचा कि मैं हेली से एक बार ट्राई कर लेता हूँ, मिल जाएगा तो अच्छा है। बट वहां पर जो है ना अभी हेली से अभी नहीं मिल रही है बुकिंग, जो है ना वहां पर ओपन नहीं हुई है हेली की। तो आप जो है अगर चारधाम यात्रा करना चाहते हैं या केदारनाथ यात्रा करना चाहते हैं हेली से, तो आप जो है वहां पर रेगुलरली चेक करते रहिए, कभी भी हेली जो सर्विस है वो ओपन हो चुकी है, हो सकती है। और अगर आप करना चाहते हैं तो वहां पर आपको जो है रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उसके लिए आप अपने डॉक्यूमेंट रेडी रखिएगा और जो जो उनकी डिटेल्स हैं वो वहां पर आपको फिल करनी पड़ेगी। तीसरी जो है, कल केदारनाथ घाटी में जो है स्ट्राइक हुई थी और उस स्ट्राइक में डीएम साहब भी गए थे उत्तराखंड के, और वहां पर जो है उन्होंने जो भी कंडीशन थी वो गवर्नमेंट को पास ऑन की है आगे अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर्स को। और जल्दी ही जो है वहां से एक गुड न्यूज आने की उम्मीद कर रहे हैं हम लोग कि कल धामी साहब ने भी कहा है, जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी कहा है कि चार धाम यात्रा के या तो ई पासिस बढ़ाए जाएंगे या वो जो है उत्तराखंड जो नैनीताल हाई कोर्ट है वहां पर जाके अपील करेंगे कि इस यात्रा को जो है आगे की यात्रा जो बची हुई शेष यात्रा जो है इसको जो है वो ई पास फ्री कर दिया जाए, देवस्थानम बोर्ड की जो रजिस्ट्रेशन है उसकी अनिवार्यता को खत्म कर दिया जाए। और तीसरा, मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कल काफी सारे लोगों को ना वापिस भेजा गया है, दर्शन करने से उनको रोका गया है क्योंकि जो लोग हैं वो बिना रजिस्ट्रेशन के आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि बहुत सारे 2,000 लगभग जो है ना 2,000 लोगों को ना वापस भेज दिया गया है इस यात्रा को पूरा, इस यात्रा का जो भी प्रोटोकॉल है उसको पूरा ना होने के कारण उनके पास जो डॉक्यूमेंट थे वो कंप्लीट नहीं थे। और जो पुलिस वाले हैं वो गाइडलाइन को का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं या उनको अलाउ नहीं कर सकते हैं विदाउट कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स, तो काफी सारे लोगों को वापस भेज दिया गया। तो आप अगर करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, थोड़ा सा वेट करना होगा ताकि जो गवर्नमेंट जो हाई कोर्ट में जा रही है अपील कर रही है वहां से अगर कोई अच्छा फेवर में डिसीजन आता है आपके, चाहे वो पासिस को बढ़ाने की मांग हो उनकी, चाहे रजिस्ट्रेशन को खत्म करने की मांग हो, तो
उस टाइम का आपको वेट करना चाहिए। वैसे काफी कम टाइम बचा हुआ है, 1 महीना और कुछ दिन ही बचे हुए हैं, बट जो भी होगा आगे वो आपके लिए अच्छा ही होगा, हम सबके लिए अच्छा होगा, तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। और दोस्तों जो चारधाम यात्रा है वो आप हेलीकॉप्टर से कर सकते हैं, आज से बुकिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, तो आप हेलीकॉप्टर की जो सर्विस है उसके लिए जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जो है आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन या अपने टिकट को बुक्स करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की इंपॉर्टेंट अपडेट, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपके कोई भी सवाल या क्वेश्चंस हैं वो हम आगे एक लाइव जो है सेशन करेंगे, उसमें आपके क्वेश्चंस के आंसर देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ में, और इस वीडियो को लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।